of you, today we see the topic that is a practical diode detector, or also called as a practical envelope detector. You see the diagram of practical diode detector circuit. In this diagram, you see the input will be the AM signal from IF amplifier, and in this the detector diode will be used. Then we see the point wise description. The first point is that the resistor R1 and R2 provide series DC path for diode current to ग्राउंड. ओके, ये जो यहाँ पे R1 और R2 हम लोगों ने यूज़ किया है, ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड सीरीज DC पाथ फॉर डायोड करंट टू ग्राउंड. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द इनपुट ऑफ प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर इज अ AM सिग्नल फ्रॉम IF एम्पलीफायर. वी ऑलरेडी सी द इनपुट ऑफ डायोड डिटेक्टर is AM signal from IF amplifier. Then R1 and C1 is a low pass filter used to remove RF ripple that is still present in the detected output. Okay, यहाँ पर जो हम लोगों ने combination use किया है R1 और C1 का, ये एज अ लो पास फिल्टर करके यूज़ होता है. किसके लिए? फॉर रिमूवल द RF रिपल. ओके, अभी ये किसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, दैट इज स्टिल प्रेजेंट इन द डिटेक्टेड आउटपुट. ये जो है RF रिपल, ये ऑलरेडी डिटेक्टेड आउटपुट में जो है प्रेजेंट रहता है, वो रिमूव करने के लिए हम लोग R1 C1 का जो कॉम्बिनेशन है लो पास फिल्टर का, हम लोग ये यूज़ करते हैं. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, द कैपेसिटर C2 इज कपलिंग कैपेसिटर विच प्रिवेंट डायोड रीचिंग द वॉल्यूम कंट्रोल. ओके, ये जो कैपेसिटर C2 है, ये एज अ कपलिंग कैपेसिटर करके हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, विच प्रिवेंट, अभी ये क्या करेगा, डायोड रीचिंग द वॉल्यूम कंट्रोल. अभी अगर आपका डायोड का पर्टिकुलर पॉइंट है कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल का, ओके, फॉर रीचिंग द पर्टिकुलर वॉल्यूम कंट्रोल, उसको वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कपलिंग कैपेसिटर. ओके, देन वी सी द R4, दिस वन. ओके, R4 वी गेट द डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अभी R4 के अक्रॉस में आपको क्या मिलता है, डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है. ओके, डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज देन अप्लाइड टू द AF एम्पलीफायर. ये जो डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाइड टू द AF एम्पलीफायर. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द R3 एंड C3 इज द लो पास फिल्टर. अगेन R3 एंड C3 इज यूज एज अ लो पास फिल्टर. देन इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द AF कंपोनेंट फ्रॉम डी मॉड्यूलेटर आउटपुट. अभी ये R3 और C3 का क्या फंक्शन है, जो भी AF कंपोनेंट है, क्या करेगा, जो भी AF कंपोनेंट है फ्रॉम डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट, ओके, उसमें से वो रिमूव करेगा. ओके, रिमूव AF कंपोनेंट फ्रॉम डी मॉड्यूलेटर आउटपुट. ओके, इसके नोट्स भी आप
को मिल जाएंगे, वो भी हम लोग इसमें ही देखने वाले हैं। सो ये R3 और R4 क्या करेगा, विच विल रिमूव द F कंपोनेंट फ्रॉम द डीमोडरेटेड आउटपुट। देन वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द AGC। AGC वोल्टेज इज देन अप्लाइड टू द RF एंड IF एम्पलीफायर टू कंट्रोल देयर गेन ऑटोमेटिक। ओके, अभी AGC जो वोल्टेज है वो हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू RF एंड AF एम्पलीफायर टू कंट्रोल देयर गेन ऑटोमेटिकली। ओके, इसके वजह से क्या होगा, इसका जो गेन है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ RF एंड IF एम्पलीफायर बाय अप्लाइंग द AGC वोल्टेज। ओके, देन वी सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर इज अ सर्किट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। ओके, ये जो हम लोगों ने सर्किट देखा है प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर, ये हम लोग डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर। सो दिस इज़ द नोट्स दैट वी ऑलरेडी सी इन 1x1 पॉइंट्स। ओके, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन डिटेल दीज नोट्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी इन। थैंक यू।